रंग भरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से भी है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस वर्ष की रंग भरी एकादशी बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। अब बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत कथा। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रत नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को चल दिए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विद्रुत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरत रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक सत्यवादी कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और देव योग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा हितेशी कौन रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है और इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।